हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट्स हैं जो MACT मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल के केसेस में जब डेथ केस होता है उसकी कंपनसेशन जो है कैसे कैलकुलेट की जाती है, क्या गाइडलाइंस हैं और किस हेड के अंदर कितनी कंपनसेशन अलाउड है, ये सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल जजमेंट्स के थ्रू बताया गया है। इसमें दो जजमेंट्स हैं इसमें जो जिसको हम डिस्कस करेंगे। एक है सरला वर्मा एंड अदर्स वर्सेस दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एंड अदर, 2009 की जजमेंट है ये, और दूसरी जजमेंट है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वर्सेस प्रणय सेठी, ये 2017 की जजमेंट है। इसमें सेट बिल्कुल गाइडलाइंस एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, कैलकुलेशन के लिए फॉर्मूला सब कुछ गिवन है और उसके बेसिस पे बहुत इजीली कंपनसेशन जो है बताई जा सकती है कि डिसीज के जो क्लेमेंट्स हैं उसके डिपेंडेंट्स हैं कितनी मिल सकती है। तो कुछ टर्म्स हैं जो हमें पहले समझ आनी चाहिए इसको डिस्कस करने से पहले। पहली चीज़ है इनकम। जिसकी भी डेथ हुई है उसकी क्या इनकम रही है, क्या वो गवर्नमेंट जॉब में था, वो प्राइवेट जॉब में था, सेल्फ एम्प्लॉयड था, कितने टैक्सेस कटते थे उसके, वो सब चीज़ें हम इनकम के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। और इनकम का मतलब नॉर्मल जो हम यूज़ करते हैं वही है। डिडक्शन है, जैसे कोई भी पर्सन ये नहीं है कि जो भी उसको सैलरी मिल रही है वो अपने ऊपर ही खर्च करता है, कुछ पार्ट वो अपने ऊपर खर्च करता है और कुछ अपने घर वालों को, अपने डिपेंडेंट्स को वो देता है। पेरेंट्स हो गए, वाइफ हो गई, बच्चे हो गए, सिबलिंग्स हो गए, तो ऐसे खर्च होते हैं। तो डिडक्शन का मतलब यहाँ पर वो परसेंटेज है जो वो अपने ऊपर खर्च करता है। तो जब भी हम कंपनसेशन देते हैं तो कोर्ट जो है कंसिडर करती है कि अपने ऊपर कितनी वो अपनी इनकम खर्च कर रहा था और बाकी घर वालों को जो डिपेंडेंट्स है उनको कितना पे कर रहा था। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से मतलब है कि आज मान लो पर्सन की एज है मान लो 22 साल, जिसकी डेथ हुई है, और उसकी सैलरी है मान लो 10,000 रुपये, तो ये नहीं है उसकी लाइफ लॉन्ग 10,000 ही सैलरी रहेगी। डेफिनेटली जैसे जैसे उसका करियर प्रोग्रेस करेगा प्रोफेशनल वे में, चाहे वो बिजनेस में है या वो जॉब में है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, कुछ भी है, वो डेफिनेटली 10,000 रुपये से ज़्यादा अर्न करेगा जब तक उसकी लाइफ रहेगी, रिटायरमेंट तक। तो वो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स का उससे यहाँ पर ये मतलब है। मल्टीप्लायर का मतलब ये है कि वो कितनी दिन काम करा। 22 साल की उम्र में अगर डेथ होती है तो डेफिनेटली वो मे बी हम मान लें कि 60 साल की उम्र तक काम करता है, 65 की तक, 55 तक, तो जितने भी साल तक काम कर सकता है उसकी कितनी क्षमता है उसके ऊपर एक मल्टीप्लायर एक कोर्ट ने बनाया है और उसकी कैलकुलेशंस में मल्टीप्लायर का भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। लॉस ऑफ कंसोर्टियम है जो एसोसिएशन का लॉस होता है। मान लो हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वाइफ के लिए लॉस ऑफ कंसोर्टियम भी एक कोर्ट जो है अलाउ करते हैं कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो लॉस ऑफ कंसोर्टियम के हेड के अंडर भी उनको कंपनसेशन मिलती है। फ्यूनरल एक्सपेंसेस नाम से ही समझ आता है, जो भी उनके आखिरी जो फ्यूनरल सेरेमनी वगैरह है जो भी रही है, कोई मेडिकल एक्सपेंसेस लगे हैं या फ्यूनरल के कहीं से ट्रांसपोर्ट की है बॉडी उनकी, तो उसके ऊपर भी जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी कोर्ट जो है दिलवाती है। और लॉस ऑफ एस्टेट मीन्स जो भी डिसीज्ड है उनकी जो भी अमेनिटीज थी उनको यूज़ करने का अब जो लॉस रह गया है डिपेंडेंट्स के ऊपर, तो अब वो उनकी चीज़ों को यही यूज़ कर पाते हैं मान लो, तो वो लॉस ऑफ एस्टेट के हेड के अंदर है। तो ये कुछ चीज़ें मैंने अभी आपको बताई है, इनके बारे में कुछ और भी डिस्कस करेंगे अभी। तो जो फैक्टर्स हैं, जो मेन फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए जब भी इन कंपनसेशन को असेस करना है, तो तीन चीज़ें हैं। एक तो जो डिसीज्ड है उसकी एज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज का प्रूफ आपको अगर क्लेम करना है कुछ भी, एज का डेफिनेट प्रूफ होना चाहिए, उसके बेस पे ही कंपनसेशन आपकी डिटरमिन होगी। इनकम कितनी रही है, जब उनकी डेथ हुई उस टाइम क्या इनकम थी, कितना टैक्स पे करते थे, वो सब चीज़ें आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। और कितने उनके ऊपर डिपेंडेंट्स थे, कितने उनके डिपेंडेंट्स हैं, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, तो कितने उनके डिपेंडेंट्स हैं उनकी, ये तीन चीज़ें जो है मेन डिटरमिन करेगी कि कंपनसेशन उस डिजीज के क्लेमेंट्स को कितनी मिलेगी। तो इसका बेनिफिट क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अब ये जजमेंट जो पास कर दी है ये क्यों की है, क्योंकि क्या हो रहा था, जो एज पर स्टेचुटरी जो लॉ बना हुआ है हमारा उसमें कुछ कन्फ्यूजन थी। तो बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी थी जो एक डिफरेंट एक व्यू रखती थी, दूसरी जजमेंट्स किसी डिफरेंट वे में कैलकुलेशन कर रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बाय दीज जजमेंट्स स्टैंडर्डाइज कर दिया प्रोसेस। उससे क्या हो रहा है कि स्टैंडर्डाइज करने से यूनिफॉर्मिटी आ रही है जजमेंट्स में, कंसिस्टेंसी आ रही है डिसीजंस में कोर्ट्स की, और अब जो है एविडेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहे। अब तीन चीज़ें मेन बता दी है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको क्या देखना है, एज, कितने डिपेंडेंट्स हैं और क्या इनकम है, मेनली इन चीज़ों के ऊपर ही अब सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कंपनसेशन डिटर्मिन होती है। एक और चीज़ का बेनिफिट क्या है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो भी अब बहुत आराम से और बहुत जल्दी बिना किसी डिले के जो एक्सीडेंट क्लेम्स हैं उनके पास उनको सेटल कर सकते हैं। अदरवाइज सालों इनके पिटिशंस पेंडिंग रहती थी पहले ट्राइब्यूनल्स में,
उसके बाद अपील में, फिर सुप्रीम कोर्ट के पास, ऐसे काफी लंबा टेन्योर लग जाता था। तो अब इनकी वजह से, गाइडलाइंस की वजह से, बहुत जल्दी ये केसेस जो है सॉल्व हो सकते हैं, क्लेम सेटल हो सकते हैं, तो ये मेजर बेनिफिट है। कंपनसेशन जो है वो चार चीज़ों का टोटल रहेगा जो हम डिस्कस करेंगे। एक तो लॉस ऑफ डिपेंडेंसी, इसको कैलकुलेट करना कैसे है वो डिस्कस करेंगे अभी। लॉस ऑफ स्टेट जो मैंने बताया, लॉस ऑफ कंसोर्टियम अभी बताया आपको, फ्यूनरल एक्सपेंसेस। तो ये तो चीज़ें हम इनमें, इनको बोलते हैं कन्वेंशनल हेड्स, ठीक है। ये तो ऑलमोस्ट कोर्ट ने बोल दिया है कि मोर और लेस सेम ही रहेंगे कन्वेंशनल हेड्स के अंदर जो चीज़ें हैं। लॉस ऑफ डिपेंडेंसी कैसे कैलकुलेट करना है वो एक थोड़ी सी इसमें समझने वाली चीज़ है। तो सबसे पहले और सबसे मेजर चीज़ जो है लॉस ऑफ डिपेंडेंसी ही है इसमें। तो इश्यूज जो आते हैं ट्रिब्यूनल के पास लॉस ऑफ डिपेंडेंसी के लिए, तो सबसे पहले तो उसको ये देखना है कि जो भी उस डिसीज्ड की इनकम है उसमें कितनी एडिशन करनी है। एडिशन क्यों करनी होती है? उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए, ठीक है। दूसरी चीज ट्रिब्यूनल को क्या देखनी होती है कि डिडक्शन कितनी करनी है। जो अभी मैंने बात की थी डिडक्शन की, वो किस लिए होते हैं? जो अपने पर्सनल और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए जो डिसीज जो है नॉर्मली अपने ऊपर खर्च करता है। मान लो एक पर्सन है जिसकी डेथ हो गई 25 साल की उम्र में, वो 30,000 रुपये कमाता था। तो 30,000 रुपये ऐसा नहीं है कि वो अपना सारे के सारे 30,000 रुपये अपने डिपेंडेंट्स को दे देगा। हो सकता है 5,000 रुपये अपने ऊपर खर्च करता हो, कपड़े खरीदता हो, कुछ दवाइयों का हो, कुछ उसको एंटरटेनमेंट के लिए शौक हो, गाड़ी है तो गाड़ी का उसका खर्चा हो। तो इस तरह के कुछ पर्सनल और लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं जो जनरली पर्सन अपने ऊपर खर्च करते हैं। तो कोर्ट को ये भी देखना है कि कितनी डिडक्शन यहाँ पर देखनी है। और फिर आता है एक मल्टीप्लायर जो मैंने आपको बताया था कि डिपेंडिंग ऑन एज कि अभी उसमें कितनी क्षमता है कमाने की, तो उसके ऊपर मल्टीप्लायर जो है कोर्ट लगाते हैं। तो तीन चीज़ें जो है लॉस ऑफ डिपेंडेंसी के लिए अभी हमने बात की। तो स्टेप्स क्या है? तो यूनिफॉर्मिटी और कंसिस्टेंसी के लिए मैंने बताया था, ये वेल सेटल जो है स्टेप्स दिए हैं हमें कोर्ट्स ने, हायर कोर्ट्स ने। तो स्टेप नंबर वन क्या है? असर्टेनिंग द मल्टीप्लिकेंट, के मल्टीप्लिकेंट कितना होगा वो हमने असर्टेन करना है, बताना है कि क्या होगा। तो सबसे पहले तो इनकम देखनी है। इनकम में लेस इनकम टैक्स शुड बी डिटरमिन, ये नहीं है कि ग्रॉस इनकम, इनकम टैक्स लेस करके जो है वो आप इनकम उसकी नेट देखोगे कि कितनी है। उसके बाद देखनी है कोर्ट ने डिडक्शन कितनी करनी है। डिडक्शन का अभी मैंने बताया क्या सिग्निफिकेंस है, जो पर्सनल और लिविंग एक्सपेंसेस के लिए होता है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर जो है वो देखना है आपको डिपेंडेंट कितने हैं। तो एक चार्ट मैं आपको देने वाला हूँ, उसके हिसाब से आपको बहुत ही इजीली समझ आ जाएगा कि मल्टीप्लिकेंट क्या होगा। तो ये चार्ट जो है एज पर द जजमेंट्स बनाया गया है। ये बोलता है कि सपोज पर्सन मैरिड है और उसके ऊपर सिर्फ दो और तीन ही लोग डिपेंडेंट है, 2 to 3 people आर डिपेंडेंट ऑन द पर्सन जिसकी डेथ हुई है, तो 1/3 जो है डिडक्शन हो जाएगी। 1/3 जो है डिडक्शन हो जाएगी, मीन्स 1/3 को हम बोलेंगे कि ये वो पर्सनल एक्सपेंसिस में आ रहा है और 2/3 जो है वो डिपेंडेंट्स के लिए बचता है। ऑब्वियसली बात है, डिपेंडेंट्स जब क्लेम करने आए हैं कि हम जिसके ऊपर डिपेंडेंट थे उसकी डेथ हो गई है, तो वो उस डिपेंडेंट से पूरी इनकम नहीं ले रहे थे, वो उसे 2/3 ही ले रहे थे। तो 1/3 उसके साथ चली गई और 2/3 जो है अब क्लेमेंट्स को, डिपेंडेंट्स को मिल सकती है। और अगर 4 से 6 लोग डिपेंडेंट थे, अगर ज़्यादा लोग डिपेंडेंट थे, इसका मतलब क्या है कि वो ज़्यादा खर्चा दे रहा होगा, इसका मतलब अपने ऊपर वो कम खर्चा कर रहा होगा। तो इस केस में 1/4 उसकी जो डिडक्शन होगी और 3/4 माना जाएगा कि वो डिपेंडेंट्स को दे रहा था। और मोर देन 6 अगर हो, 6 से ज़्यादा लोग डिपेंडेंट हो, तो 1/5 जो है उसके पर्सनल एक्सपेंस के लिए डिडक्शन हो जाएगी। और जो इसमें 4/5 है, ऑलमोस्ट 80% जो बन गया है, ये डिपेंडेंट्स को इसका मतलब कोर्ट एज्यूम करेगी कि दिया जा रहा है। और अगर पर्सन बैचलर था जिसकी डेथ हुई, तो ½ माना जाएगा कि वो अपने ऊपर खर्च कर रहा है और 1/2 जो है अपने डिपेंडेंट्स को दे रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स। अगर पर्सन बैचलर है तो हाफ ही उनको डिपेंडेंट्स को दिया जाएगा। इसके पीछे एक लॉजिक देता है सुप्रीम कोर्ट। वो बोलता है कि अगर बंदा पर्सन जो है बैचलर है तो उसके खर्चे ज़्यादा होते हैं, वो अपने कई तरह के उसके लिविंग एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस होते हैं, और जो बच्चे बाकी उसके फैमिली मेम्बर्स होते हैं जैसे सिबलिंग्स हैं, वो मोर और लेस फादर के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, या फिर वो अपने इंडिपेंडेंट होते हैं, मैरिड होते हैं, अपने अपने लाइफ में सेटल होते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में क्या होता है, अगर पर्सन बैचलर है तो उसकी मदर ही रह जाती है जो डिपेंडेंट होती है। तो मदर के लिए ही उसने एक तरह से 1/2 रखा हुआ होता है, क्योंकि फादर की अपनी एक इनकम होती है। बट सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि अगर बंदा बैचलर है जिसकी डेथ हुई है, ठीक है, बट उसका फैमिली साइज जो है ज़्यादा है, डिपेंडेंट है, मदर भी विडो है, और जो मान लो यंगर जो छोटी सिस्टर्स हैं जो नॉन अर्निंग है, ब्रदर्स हैं नॉन अर्निंग,
तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि उसमें 1/3 जो है डिडक्शन अलाउ की जा सकती है और बाकी फैमिली को 2/3 दिया जा सकता है। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि 1/2 का ये स्ट्रिक्ट नहीं है, डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टांसेस, कुछ इस टाइप के एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस हैं तो वहाँ डिडक्शन 1/3 भी की जा सकती है। तो ये इस वे में डिडक्शन होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो पर्सन जो है 30,000 रुपये कमाता है, ठीक है। अब 30,000 रुपये कमाता है और दो ही उसके ऊपर डिपेंडेंट है घर में जब उसकी डेथ होती है, तो 30,000 में से 1/3, 10,000 रुपये तो उस ये मान लिया जाएगा कि वो अपने ऊपर खर्च करता था और 20,000 रुपये ही डिपेंडेंट्स को देता था। तो जो कैलकुलेशन होगी अब कोर्ट जो करेगा वो 20,000 रुपये के हिसाब से करेगा, 10,000 ये मानेगा कि जब वो बंदा चला गया तो उसके एक्सपेंसेस भी वो अपने साथ लेकर चला गया। तो कोर्ट जो कंपनसेशन दिलाएगी वो 20,000 रुपये के हिसाब से दिलाएगी। इसी तरह अगर मान लो वो बैचलर था, 30,000 कमाता था और बैचलर था, तो 15,000 रुपये तो उसके साथ चले गए 1/2, और 15,000 के हिसाब से जो बचे हुए थे उसके हिसाब से अब कोर्ट जो है कंपनसेशन दिलाएगी। तो ये जो सेकंड इसमें पॉइंट था डिडक्शन का, जिसके बारे में हमने 2-3 बार बात कर ली है इस पीपीटी में, तो ये डिडक्शन जो है अब मैंने आपको बताया कैसे होगी। तो जितना भी पार्ट उसके पर्सनल एक्सपेंसिस पे आता है, कोर्ट उसको माइनस करके जो बचा हुआ पार्ट है उसकी अब उसको एक तरह से यूज करके फर्दर कंपनसेशन को कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये डिडक्शन वाला पार्ट हमने डिस्कस किया। उसके बाद जो आता है वो आता है एडिशन ऑफ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, कि वो फ्यूचर में कितना कमा सकता है, कितनी उसकी एक तरह से अर्निंग बढ़ सकती है, ठीक है। तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के अंदर ये पढ़ना है उसकी प्रमोशन भी होगी, जॉब स्विच करेगा, बिजनेस करेगा, बिजनेस प्रोग्रेस करेगा, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे टाइम निकलेगा, डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ बेटर ही प्रोग्रेस करेगा अपने जो भी प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट में है। तो एडवांसमेंट ऑन लाइफ एंड करियर के ही एक तरह से ये ध्यान देता है। तो इसमें दो चीजें हैं, एक एक तो जब डिसीज जो था वो परमानेंट जॉब में था, और दूसरा जब वो एक तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड है, परमानेंट जॉब नहीं है, कोई एक फिक्स्ड सैलरी के बेसिस पे ही काम कर रहा है। तो ये जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स है ये कैसे काम करते हैं, अगर तो उसकी उम्र 40 साल से नीचे है, 40 ईयर्स से, सुप्रीम कोर्ट ने साफ बोला हुआ है कि अगर लेस देन 40 ईयर्स है तो उसकी जो सैलरी बनी है उसमें 50% ऐड कर दिया जाए, ठीक है। और अगर उसकी 40 से 50 साल के बीच में उम्र है तो 30% ऐड करने हैं, और 50 से 60 साल की उम्र के बीच में है जो डिसीज्ड है उसके में 15% ऐड करने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से देखिए, अगर मैं केस लेके चलूँ, मान लो पर्सन जो है 30,000 रुपये कमाता है और दो लोग उसके ऊपर डिपेंडेंट थे जब उसकी डेथ हुई, ठीक है, और वो मैरिड था, तो अब दो चीज़ें हमने पढ़ ली, और वो परमानेंट जॉब में था, एक चीज़ और भी हम देख लें, परमानेंट जॉब में था, ठीक है। ये चीज़ें अब कोर्ट के सामने आ गई है। अब पहले वाला चार्ट अगर हम देखें, मैरिड था, 1/3 उसके उसमें डिडक्शन हो जाएगी, तो अब यहाँ पर आए डिपेंडेंट मैरिड, तो 1/3 इसकी डिडक्शन हो जाएगी पर्सनल एक्सपेंसेस के, तो 30,000 का 20,000 रुपया ही वो रह गया जो अब आगे फर्दर कंपनसेशन के लिए कैलकुलेशन में यूज होगा। अब 20,000 रुपये जो बचा, 20,000 में अब उसकी जो प्रोग्रेस होगी वो 50% की होगी, बिकॉज उसकी उम्र जो थी अभी 25 साल है मान लो, ठीक है, 25 साल की उम्र में मरा है, तो इसका मतलब 50% उसका जो है अभी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के नाम के ऐड हो जाएंगे। तो 20,000 में 50% और ऐड कर दो तो वो फिर से 30,000 रुपये बन गए। तो अब जो 30,000 के हिसाब से अब आगे उसकी कैलकुलेशन होगी। तो जब भी बंदा परमानेंट जॉब में है जिसकी डेथ हुई है, इस हिसाब से हम उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को ऐड करेंगे उसकी सैलरी में। जो प्रेजेंट सैलरी है 50%, 30%, 15% ऐड किया जाएगा, और ये एक्चुअल सैलरी जो है वो एक्चुअल सैलरी लेस टैक्स है, जब भी टैक्स को कैंसिल करके काट कर ही हम कैलकुलेशन करेंगे। अगर पर्सन जो है सेल्फ एम्प्लॉयड है, सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 40 ईयर से कम 40%, 40 to 50 25%, 50 to 60 15%, इसी को ऐड करेंगे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए। तो जो भी सैलरी डिडक्शन के बाद बचती है उसमें हम फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो है उसके ऐड कर देंगे। तो जो इनकम है यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड इनकम जो हम बात कर रहे हैं वो इनकम माइनस टैक्स कंपोनेंट है उसी की हम बात कर रहे हैं। तो टैक्स काट के ही जो इनकम बचेगी हमेशा उसी को यूज करना है। तो ये दो चीजें हमने पढ़ ली है अभी तक, एक तो हमने पढ़ लिया कि डिडक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, दूसरा हमने पढ़ लिया इसमें फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को के लिए क्या एडिशन करनी है। अगली चीज आ जाती है स्टेप नंबर 3 में, मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब क्या है, मल्टीप्लायर का मतलब जैसे हमने डिस्कस किया था, इसका मतलब ये नहीं है कि कितने साल वो काम करता है, अगर 33 साल काम कर रहा है और उसके बाद तो 33 साल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बट लाइफ की जो भी हमारी इकोनॉमिक फैक्टर्स रहेंगे, कैसी लाइफ चलती है, क्या उसमें
अप्स एंड डाउन्स आते हैं उसके हिसाब से कोर्ट ने एक जनरल फॉर्मूला हमें दिया है एज इन द फॉर्म ऑफ चार्ट. वो बोलते हैं कि अगर पर्सन जो डेथ हुई है जिसकी 15 से 25 साल की उम्र है उसकी, तो मल्टीप्लायर जो है 18 का आएगा. इसी तरह 26 से 30 है तो एक एक 5 साल के बाद एक एक यूनिट कम होता जाता है, और जब 50 साल की उम्र के बाद हर 5 साल के बाद दो दो यूनिट कम होंगे, तो 13 था यहाँ पर, फिर 11 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, तो इससे मल्टीप्लाई करना है. तो जैसे अभी हमने बात की, एक पर्सन 25 साल की उम्र में सपोज 30,000 रुपये कमाता था, उसकी डेथ हो गई, दो डिपेंडेंट थे उसके ऊपर, वो मैरिड था, ठीक है, और परमानेंट जॉब में था. इसकी हम कैलकुलेशन करें तो कैसे करेंगे? अब देखिए, पहला स्टेप आएगा कि 30,000 इनकम हमें पता लग गई, मान लो ये आफ्टर टैक्स थी, ठीक है, और दो डिपेंडेंट थे और मैरिड था, 25 साल की उम्र है, तो दो मैरिड दो डिपेंडेंट है, तो इसका मतलब 1/3 होगी इसकी डिडक्शन. तो 30,000 में डिडक्शन की तो बचे कितने, 20,000. तो ये हमारा पहला डिडक्शन के बाद कंपोनेंट जो है बचा. दूसरा है फिर उसके ऊपर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो हम ऐड करेंगे. 40 साल से कम है उम्र, तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स जो है 50% ऐड करते हैं. तो 50% हमने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऐड कर दिए, तो 20,000 का जो है 50% ऐड किया, तो ये बन गया 30,000. अब थर्ड स्टेप में अब हमें देखना है मल्टीप्लायर कितना होगा. मल्टीप्लायर कितना होगा, देखिए 25 साल की उम्र में 18 का मल्टीप्लायर है, तो 18 का मल्टीप्लायर है, तो 30,000 को हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन गया 54,123. तो ये 5,40,000 जो है, ये एक तरह से एक वैल्यू हमारे पास आ जाती है, जिसको हम यूज करके कंपनसेशन बनाएंगे, ठीक है. तो ये तीनों चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली, और एक एग्जांपल से भी मैंने आपको समझा दिया. अब ये जो आपको देखनी है यहाँ पर, इसको अभी आप 12 से भी मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज ये 30,000 जो बना है ये एक महीने का बना है, ठीक है. अभी इसको जब फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो पर ईयर होता है ये, तो इसको 12 से भी मल्टीप्लाई किया जाएगा पूरे ईयर की कैलकुलेट करने के लिए, राइट. तो इसके बाद क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ डिपेंडेंसी हमने इसमें पढ़ लिया कि कैसे हमने पहले मल्टीप्लाई निकालना है डिडक्शन के बाद, उसमें एडिशन करनी है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की, और उसको बाद में मल्टीप्लाई कर देना है मल्टीप्लायर से, तो ये लॉस ऑफ डिपेंडेंसी हमारा आ जाएगा. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये जो कन्वेंशनल हेड्स के अंदर चीज़ें हैं, लॉस ऑफ स्टेट है, इसमें नॉर्मली बोला गया है कि एक रीजनेबल वैल्यू 15,000 रुपये की. कंसोर्टियम, लॉस ऑफ कंसोर्टियम अगर विडो है वहाँ पर, तो 40,000 रुपये लॉस ऑफ कंसोर्टियम, और फ्यूनरल एक्सपेंस के नाम के एटसेट्रा जो भी बचता है 15,000 रुपये लगा दिए हैं. ये 2017 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, और ये बोला था कि ये अमाउंट जो है 10% हर 3 साल के बाद बढ़ाई जा सकती है. तो उसके अकॉर्डिंग अब 2020 चल रहा है, मान लो फ्यूचर में अगर हम देखें, तो जैसे जैसे इसमें सुप्रीम कोर्ट की अगर कोई और रूलिंग नहीं आती है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम 10% हर 3 साल के बाद बढ़ा सकते हैं. तो दोस्तों, इस वे में हम कैलकुलेट कर सकते हैं. बहुत सिंपल वे में मैंने आपको बताया कि डिडक्शन के बारे में, और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में, और मल्टीप्लायर के बारे में. आप इसमें सारी कैलकुलेशन बहुत आराम से कर सकते हो, कोर्ट को बता सकते हो कि कैसे इसमें कोई भी क्लेम है सेटल हो सकता है. तो दोस्तों, इसके बाद आपको समझ आ गई हैं चीज़ें, और टोटल कैलकुलेशन हमने बात कर ली है कि लॉस ऑफ डिपेंडेंसी और कन्वेंशनल हेड्स जो है उनको ऐड कर देंगे. और आखिर में जनरली कोर्ट क्या होता है, जनरली क्या ये होता ही है कि जब भी डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पिटीशन से कंपनसेशन दी जाती है, और मान लो इसमें 2-3 साल लग जाते हैं कई बार पिटीशन डिसाइड होने में, तो जब भी ऑर्डर आता है तो ये डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ पिटीशन से होता है. तो वहाँ सर लेके जब तक इसकी रियलाइजेशन होती है, कोर्ट उसके ऊपर इंटरेस्ट भी जो भी पे करेगा, मे बी इंश्योरेंस कंपनी पे करती है, या कोई पर्सन कोई व्हीकल से अगर एक्सीडेंट हुआ, कोई भी पे करेगा, उसको बोलती है कि आप इंटरेस्ट के साथ जो भी वैल्यू कंपनसेशन की बनाई गई है उसको आप पे करोगे. इंटरेस्ट जनरली 6% लगाती है कोर्ट, जो नॉर्मल रहता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये कंपनसेशन पे की जा सकती है. सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, और जो भी आपके इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट के आपको लगता है कि ऐसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, कोई सजेशन हो, क्वेरी हो, तो डेफिनेटली आप मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप शेयर कीजिएगा. थैंक यू.